कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। हे कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चपन चपन। मुझे एक कटोरे में केले की खीर मिली। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिग्गू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं देखने ही वाला था कि कौन आया है, जब मैं अचानक गिर गया। जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बेर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। सकते हैं ऐसे निशान तो मैंने कभी नहीं देखे। भीम को दिखाती हूँ। भीम, चुटकी, पिकू, ये देखो। ये तो चीते के निशान है। ध्यान रहे दोस्तों, हम किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते, इसीलिए जाल को बड़ी सावधानी से बनाना होगा। जरा भी पसंद नहीं, इसीलिए जब उस दिन मैं
मैंने पिग्गू को सज्जू को सबक सिखाते देखा तो मैंने सोच लिया कि मैं उससे दोस्ती करूंगी। पर तुम छुप छुप के क्यों तोहफे दे रही थी, सामने क्यों नहीं आई? मैं ना तो पेड़ चढ़ सकती हूँ ना तुम जैसे मजेदार करतब कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे डर था कि पिग्गू मेरा दोस्त बनने से इनकार करेगा। आज तो मेरा नाचने को मन कर रहा है, ता दिन दिन ना ता दिन दिन ना ता दिन दिन। मेरा भी दिंग मिटकन दिंग मिटकन। घर में एक ढोल तो है, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। उसकी क्या जरूरत है, मेरा रेडियो है ना। चिटकी 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 चिटकी